धौलपुर जिले में रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के दौरान 25 से 27 जुलाई की देर शाम तक बसों का संचालन पूरी तरह से रहा था बंद। हड़ताल के दौरान 3 दिन में 90,000 किलोमीटर नहीं चली रोडवेज की बसें। हड़ताल के दौरान रोडवेज को करीब 30 लाख रुपए का हुआ नुकसान। प्रदेश में 25 से 27 जुलाई तक चली रोडवेज कर्मियों की हड़ताल से राजस्थान रोडवेज की करीब 15 करोड़ रुपये की राजस्थानी हुई, तो वहीं धौलपुर डिपो को करीब 30 लाख रुपए की राजस्थान हानि हुई। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के दौरान 25 से 27 जुलाई तक देर शाम तक बसों का संचालन पूरी तरह रहा बंद और डिपो में 81 बसें हड़ताल के दौरान 3 दिन में 90,000 किलोमीटर नहीं चल सकी। हड़ताल के चलते धौलपुर, भरतपुर, आगरा, जयपुर, ग्वालियर सहित सभी अन्य जगहों पर रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो सका। यूनियनों ने एटक है, सीटू है और बीजीएनएस है, कई उन्होंने घटाव करके ये निष्कर्ष निकाला कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, सहानुभूति से विचार नहीं कर रही है। अल्टीमेटम दिया, धरने दिए, उसके बाद नहीं सुना, तो उसके बाद 2 दिन की हड़ताल का उन्होंने आह्वान किया और 2 दिन हड़ताल की। हाँ, उसमें साहब आपको कितना लॉस हुआ था? लगभग हमें 2 दिन में हुआ 20 लाख का लॉस हुआ यह धौलपुर को। उसके बाद जब सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की, उसमें 1 दिन और लगा। इवन 27 तारीख हो गई और 27 की शाम को जाके चांसलर मिनिस्टर जो यूनिस खान है उनसे हमारा समझौता हुआ और यूनियन ने अपने आप को हड़ताल करने से दृढ़ कर लिया कि हड़ताल नहीं करेंगे। लेकिन हमारे धौलपुर को कम से कम 30 लाख का लॉस तो हुआ ही है और जनता को परेशानी तो होती है। उसके लिए हम माफी मांगते हैं जनता के लिए कि भाई इनको परेशानी हुई है, उसके जहरी सॉरी, क्योंकि अधिकार की लड़ाई सबको ही लड़ता है।